इंडियन न्यूज 24 आवर। जिग्नेश मेवाणी फाइल आज तक डॉट इन एडिटेड बाय रण विजय सिंह नई दिल्ली 5 जनवरी 2018 अपडेटेड 1903 IST दलित नेता और गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी ने आज तक के शोहल्ला बोल में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर मोदी को हिमालय जाने की नसीहत देते हुए कहा, मोदी जी हिमालय न जाए तो नैनीताल जाए या कुल्लू चले जाए। बता दें, भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने जिग्नेश मेवाणी पर केस दर्ज किया है। उन पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं। इस मुद्दे को लेकर जिग्नेश ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मोदी के हिमालय जाने से वहां के पीस शांति को खतरा। जिग्नेश ने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी इरेलेवेंट हो गए हैं। अगर किसी को लगता है कि मोदी जी के हिमालय जाने से वहां के पीस शांति को खतरा है तो मोदी जी हिमालय न जाएं, नैनीताल जाएं या कुल्लू चले जाएं। 2019 में भी बीजेपी दो डिजिट में रह जाएगी, जिग्नेश ने कहा। 2019 में भी बीजेपी दो डिजिट में रह जाएगी। हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश नहीं लड़े होते तो गुजरात मॉडल का भांडा न फूटा होता। हम वंचित तबके की बात करेंगे, जिग्नेश ने अपनी भाषा पर कहा। मैं पोएट्री कविता की तरह बोलता हूँ, मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ूंगा। गुजरात में डिसेंट दलित आंदोलन के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। मेवाणी बोले थे, बोरिंग हो गए हैं मोदी, रिटायर हो जाएं। इससे पहले गुजरात चुनाव खत्म होने के बाद भी दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने पीएम मोदी को हिमालय जाने की नसीहत दी थी। मेवाणी ने कहा था, पीएम मोदी अब बूढ़े हो गए हैं, वही अपनी पुराने बोरिंग भाषण लोगों को सुना रहे हैं। उन्हें अब ब्रेक लेना चाहिए और रिटायर हो जाना चाहिए। हमने उन्हें विकास और नौकरी के मुद्दे पर चैलेंज किया था। मोदी जी को हिमालय पर चले जाना चाहिए और वहां जाकर हड्डियां गलाना चाहिए, मेवाणी ने कहा था। अब लोगों को मोदी पर नहीं बल्कि हार्दिक, अल्पेश, कन्हैया कुमार पर भरोसा है। नहीं मिली थी कार्यक्रम को इजाजत। बता दें कि मुंबई पुलिस की ओर से मेवाणी को कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने के बाद जिग्नेश मेवाणी और JNU के छात्र नेता उमर खालिद के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। ये दोनों नेता बतौर वक्ता छात्र भारती के कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। मेवाणी उमर खालिद के खिलाफ केस दर्ज, इससे पहले भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने जिग्नेश मेवाणी और JNU के छात्र नेता उमर खालिद पर केस दर्ज कर दिया। दोनों पर हिंसा भड़काने का आरोप है। दोनों पर सेक्शन 153, 505, 117 के तहत पुणे में FIR दर्ज की गई है। इन दोनों पर पुणे में हुए कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पाएं आज तक की ताज़ा खबरें न्यूज लिखकर 52424 पर SMS करें। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया यूजर्स, शर्तें लागू।